हेलो दोस्तों, मैं गौरव आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कोडन बायोलॉजी में। आज हम लोग ब्लड ग्रुप, एंटीजन और एंटीबॉडी पढ़ेंगे। यदि हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब है एंटीजन ए है। ब्लड ग्रुप बी है, इसका मतलब है एंटीजन बी है। ब्लड ग्रुप ए बी है, यानी एंटीजन ए एंड बी दोनों है। ब्लड ग्रुप ओ है, यानी एंटीजन एब्सेंट है। अगर एंटीबॉडी देखा जाए हर एक केस में, तो ब्लड ग्रुप ए जब होता है, यानी जब एंटीजन ए होता है, तो ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होता है एंटीबी, एंटीबी एंटीबॉडी। बी ब्लड ग्रुप के केस में एंटी ए एंटीबॉडी। जब दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट होते हैं तो एंटीबॉडी नहीं होता है। जब कोई एंटीजन नहीं है तो दोनों ही एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, एंटी ए एंड एंटीबी बोथ। आखिर में कैसे हम इस रिलेशन को याद रखेंगे या कैसे समझेंगे कि जब एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी कैसे आ गया? हम लोग यही जानते हैं कि बॉडी का इम्यून सिस्टम एंटीजन के रेस्पॉन्ड में एंटीबॉडी बनाता है। जैसा एंटीजन होता है वैसा एंटीबॉडी बॉडी का इम्यून सिस्टम प्रिपेयर करता है। हम लोग आज तक यही पढ़ते आ रहे हैं कि ये इम्यून सिस्टम एंटीजन के रेस्पॉन्ड में एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। तो ब्लड ग्रुप के केस में जब एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी कैसे आ गया, एंटी बी एंटीबॉडी कैसे बन गया, इसी का आंसर आज हम लोग ढूंढेंगे और समझेंगे। जैसे कि हमारे बॉडी सिस्टम में कार्बोहाइड्रेट्स जो हम लिख रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। कार्बोहाइड्रेट्स सिमिलर टू एंटीजन ए एंड बी आर प्रोड्यूस्ड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। मतलब जैसा हमारे बॉडी में एंटीजन ए और बी है, यानी रेड ब्लड सेल के ऊपर जो एंटीजन ए लगा है, मान लिया कि ये एंटीजन ए है और ये एंटीजन बी है, तो इसी तरह का एंटीजन ए और बी हमारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया भी सिक्रेट करते हैं, इसी के जैसे हैं। एंटीजन ए के जैसा ही और एंटीजन बी के जैसा ही कार्बोहाइड्रेट एंटीजन सिक्रेट होता है इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के द्वारा। इसीलिए सो इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप ए ए एंटीजेंस आर सेल्फ हेंस एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन रेस्पॉन्स ऑफ बी एंटीजेंस प्रोड्यूस्ड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया।
हम ये भी जानते हैं कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज करता है। नॉन सेल्फ एंटीजन जो होते हैं उसके रेस्पॉन्ड में बॉडी का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी प्रिपेयर करता है ताकि एंटीजन को इलिमिनेट कर सके। और हमने ये भी देखा कि जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया हैं वो ए और बी दोनों तरह के कार्बोहाइड्रेट एंटीजन बॉडी में प्रिपेयर करके रखे रहते हैं। तो जो ब्लड ग्रुप ए है, हमारा ब्लड ग्रुप ए है, यानी ए एंटीजन बॉडी के लिए क्या है? सेल्फ है। यानी कि अब नॉन सेल्फ कौन सा है? केवल बी है। यानी कि नॉन सेल्फ एंटीजन जब बी हो गया तो एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनेगा? बी के अगेंस्ट बनेगा। तो इसीलिए ब्लड ग्रुप ए के केस में जो एंटीबॉडी प्रिपेयर होता है वो एंटी बी होता है। ए ब्लड ग्रुप है तो ए क्या हो जाएगा? सेल्फ एंटीजन। और वहां पे एंटीबॉडी जो प्रिपेयर होगा क्या होगा? एंटी बी होगा। ए बी है यानी जब दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं, ए और बी एंटीजन, तो वहां दोनों ही एंटीजन क्या है? सेल्फ एंटीजन है। और सेल्फ एंटीजन के लिए बॉडी तो एंटीबॉडी बनाएगा नहीं, एंटीबॉडी हमेशा नॉन सेल्फ एंटीजन के लिए बनता है। इसीलिए ए बी के केस में कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगा, नो एंटीबॉडी, क्योंकि यहां ए और बी बोथ क्या हैं? सेल्फ एंटीजन्स हैं। ओ ब्लड ग्रुप के केस में जब ब्लड ग्रुप ओ है तो ओ ब्लड ग्रुप है यानी कि रेड ब्लड सेल के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है। अगर ये ब्लड सेल है तो ब्लड सेल के ऊपर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। इस केस में जो कार्बोहाइड्रेट एंटीजन होंगे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया वाले, वो नॉन सेल्फ की तरह एक्ट करेंगे और बॉडी उस नॉन सेल्फ एंटीजन के रेस्पॉन्ड में एंटीबॉडी प्रिपेयर करेगा और ओ के केस में बोथ एंटीबॉडी ए एंड बी एंटीबॉडी पाए जाएंगे। यानी कि हम लोगों ने देखा कि इन ब्लड ग्रुप ओ none of the antigens either A or B are present. So antibodies are produced in response to carbohydrate antigens secreted by intestinal bacteria.